हर कार बहुत स्पेशल होगी या फिर बहुत पुरानी होगी, क्योंकि यहाँ पर है दुनिया की सबसे छोटी चर्च। ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट चर्च। तो भैया यहाँ पे मैं बैठ गया हूँ रैबिट के ऊपर। आज हम लोग जा रहे हैं न्यू मैक्सिको को बाई करके एरिजोना में राउट 66 पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं राउट 66 पे ट्रैवल कर रहा हूँ शिकागो से कैलिफोर्निया की तरफ, और आज मैं बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 18 डेज हो गए हैं मुझे ट्रैवल करते हुए राउट 66 पे। और एक्चुअली अभी मैं खड़ा हुआ हूँ बिल्कुल न्यू मैक्सिको और एरिजोना बॉर्डर में, बट अभी मैं हूँ न्यू मैक्सिको में। और अगर उस तरफ आपको एक बोर्ड दिख रहा है तो वहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू एरिजोना। विग वाम मोटल, और ये जो मोटल है ना, पर्सनली आज मुझे यहाँ पे स्टे करना था बट ये मोटल क्लोज्ड है। और ये भैया मेरा फेवरेट प्लेस था, मतलब रूट 66 पे स्टे करने के लिए। ये इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है जैसे पहले यहाँ पे नेटिव अमेरिकन जो होते थे, जिनको अमेरिकन इंडियंस के नाम से भी जाना जाता है, तो वो इसी तरीके का घर बनाते थे रहने के लिए। जो मैंने आपको अंदर से नज़ारा दिखाया उसके लिए मिस्टर डेरिक को थैंक यू बोलना। मिस्टर डेरिक मेरे पास आए, कहा कि भैया एक दरवाज़ा खुला हुआ है, अभी वो एक बंदा है वहाँ पे, पता नहीं जो भी काम वगैरह कर रहे हैं, अभी होटल तो बंद है ये प्रॉपर्टी तो बट मरम्मत तो चलती रहती है। तो चांस मिला आप लोगों को, मैंने अंदर से दिखा दिया। अलग अलग तरीके की आप लोगों को कार यहाँ पे बाहर देखने को मिलेंगी, हर कार बहुत स्पेशल होगी या फिर बहुत पुरानी होगी। खाली इन्होंने ऐसे ही मतलब थोड़ा सा शोबाजी के लिए किया हुआ है कि भैया कोई आके रुकता है तो उसको फील होए कि कहीं स्पेशल जगह पे रुके हुए हैं। My mom and dad bought one brand new in 1971. Oh really? Yeah, brand new. तो मिस्टर डेरिक और मोम के पास इस तरीके की कार होती थी, जो पीछे हुई येलो कार आप लोगों को दिख रही है। इस तरीके की बहुत सारी लोकेशन आती है हाईवे 66 पे। तो अभी फिलहाल जो हमारा आज का टारगेट है, हमारा आज का टारगेट है कि हम लोग ग्रैंड कैनियन तक पहुँचें और आप लोग को ग्रैंड कैनियन दिखाएं। बट जब इस तरीके की लोकेशन हम लोग देखते हैं तो मन करता है यार रुक जाते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। तो देखते हैं ग्रैंड कैनियन से पहले कौन कौन सी और इस तरीके की लोकेशन आएंगी और कहां कहां पे हम लोग रुकेंगे। हम लोग रुके हैं एरिजोना के छोटे से टाउन में, वो भी राउट 66 पे है। हर जगह पे ही राउट 66 लिखा हुआ है, पता नहीं इंडियन लोग इस पे ट्रैवल क्यों नहीं करते हैं। तो अभी जो हम लोग इस टाउन में आए हैं, एक स्पेशल यहाँ पे आप लोग को चीज़ दिखाने के लिए, वो है उस तरफ में, क्योंकि यहाँ पर है दुनिया की सबसे छोटी चर्च। ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट चर्च, जो दुनिया की सबसे छोटी चर्च है। यार कितनी छोटी है एक्चुअल में ही, आप लोग को दिखाता हूँ मैं अंदर चल के। दिस इज रियली वेरी स्मॉल डेरिक। या इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह से। माय चिल्ड्रन कम इन कम इन। नो सो यू आर प्रीस्ट हियर? यस, दे वर वर्शिपिंग द रॉन्ग गॉड, दे मेड अ गॉड व्हेन गॉड मेड देम। ओके राइट, ये बाइबल का जो चैप्टर पढ़ रहे थे मिस्टर डेरिक। मिस्टर डेरिक, I have question for you. Uh-huh. Why they have here roti and rice? I think that's a taco and cheese. And I think somebody just left it here because they shouldn't have left it here. People don't have respect. It's not supposed to be there. तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं पेट्रीफाइड फॉरेस्ट। तो एक ही यहाँ पे फॉरेस्ट है राउट 66 पे। तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से, $25 की हम लोग एंट्री जो टिकट लेंगे। एक्चुअली मुझे यहाँ पे जाना भी नहीं था बट मैंने सोचा कि चलो आए हैं तो अब आप लोगों को दिखा देते हैं। जब से हम लोग शिकागो से चले हैं राउट 66 पे, तो हर जगह पे ना एक साइन आता है रैबिट का, और हम लोग बड़े परेशान हो गए कि भैया ये रैबिट का चक्कर क्या है राउट 66 पे। आज हमें पता चला है यहाँ पे आके
यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर इट इज, और जो रैबिट है, रैबिट अभी है वहाँ पर। तो ये रैबिट का बड़ा तगड़ा सीन था इस राउट 66 पे। मैं और डेरिक यही बात कर रहे थे, हर जगह पे, मतलब हर जगह पे है ना साइन है रैबिट के, कि भैया रैबिट कहाँ है, रैबिट कहाँ है, रैबिट ढूंढो राउट 66 पे। तो ये एक राउट 66 का एक अट्रैक्शन है रैबिट, और लोगों ने बोला हुआ है अगर आप इसको ढूंढ लेते हो तो ऑलमोस्ट सोचो कि आपका जो राउट 66 है वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर है रैबिट और ये लिखा हुआ है राउट 66 रोड साइड अट्रैक्शन। तो अब हमें इतनी खुशी हो रही है कि एटलीस्ट भैया जो चीज़ देखने वाली थी वो मिल गई है, और लोग यहाँ पे आते हैं, रैबिट के ऊपर बैठते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। तो हम भी भैया रैबिट के ऊपर बैठेंगे। यस डेरिक, फाइनली वी गॉट हिम। नो आई एम फाइन। तो भैया यहाँ पे मैं बैठ गया हूँ रैबिट के ऊपर, और ये एक शगुन है। अगर आप इस रैबिट को ढूंढ लेते हो राउट 66 पे तो इस पे ऊपर बैठना आप लोगों का बनता है। तो फाइनली मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि हमारा नया दोस्त रैबिट, इसका नाम बताओ आप लोग, क्या नाम इसका रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। 17-18 दिन से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और रैबिट का साइन देख देख के, और लोग कह रहे थे बहुत सारे लोग हैं जो इसको मिस कर देते हैं, बट मिस मत करना। मुझे लगता है कि हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे ग्रैंड कैनियन, क्योंकि हम लोग दोबारे रुक गए हैं एक और लोकेशन पे, टू एरो साइन एरिजोना। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस लोकेशन है हाईवे 66 पे, तो हम लोग इसको तो बिल्कुल भी हम लोग मिस नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हम लोग रुक गए। हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है यार, अगर इस तरीके की चीज़ें शेयर नहीं करेंगे तो आप लोग कैसे याद रखोगे इन वीडियो को कि हाईवे 66 की वीडियो थी। और ये जो टू एरो साइन जो आप लोग को दिख रहा है, ये साइन होते थे बहुत पहले गैस स्टेशन का साइन, तो लोग इसे समझ जाते थे कि ये वाला गैस स्टेशन आने वाला है, और काफ़ी फेमस होता था गैस स्टेशन। ये देखो यहाँ पे भी गैस स्टेशन है, और वो वहाँ पे इनका रेस्टोरेंट होता था और गैस स्टेशन वहाँ पे भी होता था इनका, बट फिलहाल अब के टाइम में देखो पूरा गोस्ट टाउन बन चुका है ये भी। हम लोग पहुंच गए हैं एरिजोना की सिटी फ्लैगस्टाफ में, और यहाँ पे हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे से हमें एक पासपोर्ट की स्टैम्प कलेक्ट करनी है, और ये है पासपोर्ट, और बस मेरे को यहाँ पे स्टैम्प लगवानी है इसमें, और फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं ग्रैंड कैनियन की तरफ। और काफ़ी लोग इस पासपोर्ट के बारे में पूछ रहे थे, पहले स्टैम्प लगवा लूँ फिर बताता हूँ। होपिंग एटलीस्ट दिस प्लेस इज ओपन। आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम शिकागो टू कैलिफोर्निया। Oh really? Yeah, with the bag there for about 100-110. When we have the fall colors, cool. So stamp there for you. Okay, sir. Thank you. यहाँ पे तो stamp लग गई है, देखिए। और उन्होंने मेरे को एक ये दिया है bag इसके साथ में। उन्होंने कहा है जिसके पास ये passport होता है उसको हम लोग ये बैग देते हैं एज ए गिफ्ट। अब आप लोगों को है ना मैं इस पासपोर्ट के बारे में बताता हूँ। ये पासपोर्ट के ऊपर देखो लिखा हुआ है रूट 66 पासपोर्ट। तो ये एक सिर्फ फन पासपोर्ट है, अगर आप रूट 66 पे ट्रैवल कर रहे हो तो आप, जैसे अभी मैंने स्टैम्प कलेक्ट किए ना यहाँ से, और उन्होंने मेरे को ये बैग फ्री दिया है कि जिसके पास ये पासपोर्ट है उसको ये फ्री में बैग दे रहे हैं जिसके ऊपर रूट 66 एरिजोना लिखा हुआ है। तो ये पासपोर्ट सिर्फ मैंने फ़न के लिए ख़रीदा था $10 का, और जैसे मैं रूट 66 पे ट्रैवल कर रहा हूँ इसी तरीके की काफ़ी सारी लोकेशन है जहाँ पे आप स्टैम्प कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक फ़न के लिए पासपोर्ट है, ये वो ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं है। तो मैं सोचा चलो मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों से। तो अभी इस पे मेरे ख्याल से 4 या 5 स्टैम्प लग चुकी है, मैं सब वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप लोग को याद है मैं कितनी स्टैम्प लगा चुका हूँ इस पासपोर्ट में तो कमेंट में ज़रूर बताना। हेलीकॉप्टर जा रहा है वहाँ ऊपर से। तो चलो अब ये यहाँ का फ्लैग स्टैफ का जो काम था यहाँ पे निपट गया है, बस ये यहाँ पे कुछ थोड़ा हल्का फुल्का खाते हैं और फिर यहाँ से हम लोग सीधा निकलते हैं
ग्रैंड कैनियन के लिए, और मेरा मन है कि ग्रैंड कैनियन भैया रात होने से पहले पहुंच जाए कि आप लोग को नजारा करा दे। थे मैकडोनल्ड में खाना खाने के लिए, और जब खाना ले रहे थे मैकडोनल्ड वाले बंदे से हमने ग्रैंड कैनियन के बारे में पूछा कि भैया कोविड की वजह से कोई ऐसा तो नहीं है, कोई चेंजेस हो, तो उस बंदे ने बताया कि भैया 1 दिसंबर से जो कि है एक जो गेट है ग्रैंड कैनियन का वो बंद हो गया है विंटर के लिए, और जो दूसरा गेट है उस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कोविड की वजह से। तो देखो होता क्या है कि हम लोग कोशिश कर रहे थे कि आज हम लोग पहुंच के आप लोग को ग्रैंड कैनियन दिखाएं, बट जो लिखा होता है वही होता है, जो भगवान को मंजूर है वही होगा। तो अब कल के लिए हम लोगों ने सोचा है कि कल जाएंगे, आज हम लोग इतनी दूर ड्राइव करें और फिर पता चले गेट बंद है और फिर हमें वापस आना पड़ेगा, हमारे 3-4 घंटे ख़राब हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से 1.5 घंटे की ड्राइव है नॉन स्टॉप, और रात को आते समय तो हम लोग धीरे धीरे चलाएंगे क्योंकि सब पहाड़ी वाला इलाका है और इधर उधर गाड़ी लग गई तो भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी, और यहाँ पे जानवर भी होते हैं जो रात को सड़कों पे आ जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि अब सुबह सुबह ही जाएंगे। और मिस्टर डेरिक जो है यहाँ पे भैया अपना बिग मैक खा रहे हैं। तो चलो मिलते हैं फिर सुबह दोबारे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, और ग्रैंड कैनियन का व्यू कोशिश करेंगे आप लोग को दिखाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही था, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, और है ना यार कमेंट करके बताओ भैया वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट करके बताना अच्छी क्यों नहीं लगी है, और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना यार, 1 मिलियन पे पहुँचा दो, कितना लंबा टाइम हो गया है यार। तो चलो मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो के साथ, और जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियो के एंड में बोलता हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, आई लव यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।